फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गोपाल जी के लिए पोशाक बनाने वाले हैं और इस तरह का पोशाक बनाएंगे, ये वाला पोशाक बनाएंगे और बनाना बताएंगे आपको कि इसको हमने कैसे बनाया। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल है ये बनाने में और देखने में भी बहुत ही प्यारा और सुंदर है। तो ये हमने 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। और ये देखिए, हमने साथ में ये घेरा बनाया हुआ है। हमने इसमें कोई भी बुकरम वगैरह का यूज नहीं किया हुआ है, बस हमने ये नीचे में एक कॉटन अस्तर लगाया हुआ है और ऊपर से हमने ये फैब्रिक लगाया हुआ है और बाकी किसी भी चीज़ का हमने इसमें यूज नहीं किया हुआ है। और ये गोले जो गोला हमारा है, ये घेरा, इसकी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। इसको बनाने के बाद हमने इस पर कोई भी प्रेस वगैरह भी नहीं लगाया हुआ है, बिना प्रेस की इसकी सेटिंग बहुत अच्छी बैठ गई है। और जब इस पर प्रेस लगाएंगे तो हमारा ये और भी अच्छा फिनिशिंग आपका आ जाएगा जब बनाएंगे तो। और साथ में हमने ये एक पगड़ी बनाई हुई है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हमने क्लॉथ लिया है और क्लॉथ की लंबाई चौड़ाई जो हमने रखी है वो मैं एक बार आपसे बता देती हूँ। ये लगभग 7.5 इंच है और ये लगभग 8 इंच है, 8 इंच से थोड़ा सा कम है हमारा। अब इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। कपड़ा हमारा ये डबल है, एक बार ये देखिए, ये कपड़ा हमने डबल लिया है और कॉटन कपड़ा है ये हमारा। अब इसके बाद इसको हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस पर हम मार्क लगाएंगे। सबसे पहले मार्क लगाएंगे, यहाँ से हम 3.5 इंच के यहाँ पर है हमारा आ रहा है, इसी के हिसाब से हम मार्क लगाएंगे। इसी तरह से इसकी पहले हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इस पर कटिंग कर दिया है वो। अब इसको इस तरह से इसकी भी हम गोल कटिंग कर देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कटिंग करना है। इसको इसकी भी हमने कटिंग कर दी है। अब इस कपड़े को हम खोल के देख लेते हैं कि हमारी कटिंग कैसी हुई है। हमारी ये कटिंग होकर के कंप्लीट है। अब इसको हमें ये किनारे किनारे सिलाई चलाना है, ये बीच से पहले हम इसको कटिंग करेंगे। अब इस पर हम सिलाई करना बताएंगे आपको। इस तरह से जब हम इसको सिलाई कर देंगे तो सिलाई करने के बाद में इसको हम आराम से पलट लेंगे इस कपड़े को। इस पर आप प्रेस भी चाहेंगे तो लगा करके इसको सेट कर सकते हैं, फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। और वैसे भी ये हमारा कॉटन कपड़ा है, हमारा फिनिशिंग इसमें आ जाएगा। हमारा ये कपड़ा अच्छे से सेट हो गया, अभी तक हमने इस पर कोई भी प्रेस नहीं लगाया हुआ है। अब इस पर आप जैसा भी लेस लगाना चाहते हैं उस तरह से आप लेस इस पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इस पर लेस लगाएंगे। इसी तरह से गोल गोल घुमा के इस पर हम लेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने सिल के इसको कंप्लीट कर दिया है और हमारा ये नीचे का इस तरह से
बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि हमने क्लोथ लिया है, ये क्लोथ को ऊपर से हम प्लेट देंगे। इसकी चौड़ाई हमारी लगभग ये देखिए 2.5 इंच से है, लगभग से ज़्यादा है थोड़ा सा। और इसकी लंबाई जो हमने रखी है 48 इंच है, 48 इंच हमने रखी है। अब इसको प्लेट देंगे एक एक, इस तरह से प्लेट हमें देना है इस पर। इसको ये देखिए एक उठाएंगे, इस पर रख देंगे, रख करके इसको मशीन रख के इसको निडल से इस तरह से स्टिच कर। चलिए मैं पूरा सिलकर फिर आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने इस पर प्लेट दे करके इसको कंप्लीट कर दिया है। हमारा ये प्लेट भी बहुत अच्छे से बैठ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस प्लेट को इस पर रख के और इसके साथ में हमें अटैच करके यहाँ से इस पर सिलाई लगाना है। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमारा सिलाई लगेगा। बहुत ही अच्छे से इस पर हमने बैठा करके इसको सेट कर दिया है। ये देखिए हमारी ये लेस भी हल्का हल्का हमारा किनारी पर दिख रहा है और ये चारों साइड से हमारा इसी तरह से ही बराबर हो जाएगा। अगर आप इस पर रख करके चाहें प्रेस लगाना, सिलाई कर देने के बाद में इसमें हमारा ये जो किनारी है तो किनारी को इस तरह से करना है। ये देखिए ये हमारा जो निकला हुआ है अलग से, इसको हमने डबल किया था इस कपड़े को, यहाँ से लेकर के इस तरह से हमें फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देना है। इसी तरह से दोनों साइड के किनारे को हम लॉक कर देंगे। तो चलिए उस साइड को भी हम लॉक कर लेते हैं, करके फिर आपको रेडी करके दिखाएंगे एक साथ। इस तरह से दोनों साइड के किनारे को हमने सिल के रेडी कर दिया है। अभी हमने अभी तक इस पर कोई भी प्रेस नहीं लगाया हुआ है और ये देखिए चारों साइड का हमारा सिर्फ लेस ही लेस दिख रहा है और कहीं से भी हमारी इसमें सिलाई नहीं दिखेगी। ये देखिए ये हमारा पहनाने के बाद में खाली हमारा ये किनारे दिखेगा। अब कमर पर का सिलाई हमें लगाना है। इसमें कमर पर कपड़ा लगाने के लिए हमने पट्टी लिए, ये पट्टी को अभी तक हमने इसको डबल किया है, ये लगभग 1.25 इंच है। तो इस पट्टी को ही हम पहले यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से लगाएंगे और इसको हम उल्टा साइड से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे ताकि हमारा सिलाई करने में इजी हो। इसको हमने सिल दिया है। सिलने के बाद में इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद में इसमें एक हम बांधने के लिए डोरी डाल देंगे और इसको इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे सीधी की साइड से। इस तरह से हमें करने पर सिलने में भी आसान रहता है और देखने में भी इसकी सिलाई अच्छी होती है। तो चलिए यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है।
नहीं तो फिर डोरी हमारी नहीं सरकेगी पहनाएंगे तो ये इस चीज का खास ध्यान रखना है। इस तरह से इसकी भी सिलाई करके हमने कंप्लीट कर दिया है। एक दो जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर लेते हैं और अभी तक इस पर कोई प्रेस नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो इस पर प्रेस लगाएंगे तो और भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए हमारे ये नीचे का घेरा बनके तैयार है। चलिए ऊपर का चोली बनाना बताएंगे आपको। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आपको एक बार बता दें कि इसकी क्या लंबाई चौड़ाई हमने रखी हुई है। अभी तो हमारी क्लोथ की लंबाई 11.5 इंच लगभग है। इसमें से थोड़ा कपड़ा भी हम कट करके हटा देंगे क्योंकि हमारा ये ज़्यादा ही है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको तो हम इस तरह से पहले सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो ये दोनों किनारे को भी इस तरह से फोल्ड करके आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। आपको जैसे भी सुविधा हो उसके हिसाब से आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। हमने इसको अंदर की साइड लॉक करके इसको सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पूरे को मैं सिल लेती हूँ, सिल करके फिर बताऊंगी आपको। हमने इसको सिल करके पलट दिया है, पलट कर अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसको यहां से हम सिल देंगे। और इसके ऊपर एक हम गोल्डन रस्सी यहाँ पर सिल देंगे। पहले थोड़ा सा इसको हम फोल्ड करके इस तरह से हम सिल लेते हैं। ये वाला किनारे को इस तरह से हम इस पर लॉक करेंगे। इस तरह से हमारी ये चोली ऊपर की गोल्डन बनके कंप्लीट है। अब ये थोड़ा सा यहाँ का हम सिल करके कंप्लीट कर देंगे, लॉक कर देंगे। ये तो हमारा पहले से लॉक था, इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा अंदर करके दोनों को हम बराबर कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और हम अंदर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ऊपर की चोली भी बन करके कंप्लीट है। ये हमने चोली को अलग से बनाया हुआ है और इसमें जितना हमने लंबाई लिया था उतना ही लिया हुआ है, कोई भी हमने कटिंग नहीं किया हुआ है इसमें। और जब पहनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल अच्छा शेप आ जाएगा। चलिए हमारी चोली भी बन के कम्प्लीट है। पगड़ी बनाने के लिए चोली वाला जो पीस है वही हमारा लंबाई चौड़ाई इसका भी है। तो इसका हम थोड़ा सा किनारी को पहले इस तरह से हम लॉक करेंगे, हल्का सा इस तरह से हम लॉक करेंगे। तो पूरे में पहले लॉक कर लेते हैं करके, फिर आपको उसके बाद बताएंगे कि हमें क्या करना है इसको। इसके किनारे को हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में इसकी थोड़ी सी हमने कटिंग कर दी है। इसकी लंबाई और कितनी है तो लगभग 10 इंच है, ये देखिए। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से लेना है, इस तरह से जो सिलाई वाला पोर्शन है इसको ऊपर में लेना है और इसको इस तरह से हमें क्रॉस करना है। ये इस तरह से बनाएंगे हम, इसको क्रॉस करेंगे और ये पीछे वाला है इसमें हम इसको डालेंगे और ये वाला है इसको इसमें डालेंगे इस तरह से। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। तो ये आगे से हमारा जब कैप तैयार हो जाएगा
तो इसका इस तरह से ये लुक आएगा। ये हमारे यहाँ पे खुल जा रहा है, छूट जा रहा है, ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो चलिए इसको पहले सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से स्कैप को बना करके हमने कंप्लीट कर दिया है और ये आगे की हमारी लुक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई बटन ये स्टोन वगैरह आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने पोशाक बनाया हुआ है पहनाने के लिए। नवरात्रि में आप डाल सकते हैं, पहना सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद आए उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह फिर नए वीडियो लेकर के आपके साथ में। थैंक यू।